पूरे देश में गुरुवार को कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के अवसर पर बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राजस्थान में सीकर जिले में खाटू और बरेली में आंवला स्थित मनोना धाम में बड़ी संख्या में बाबा के भक्तों ने पहुंचकर आशीर्वाद लिया। अगर बात करें आंवला के मनोना धाम स्थित बाबा श्याम की, तो उनके दरबार में गुरुवार को हजारों श्रद्धालुओं ने पहुंचकर आशीष लिया। इस दौरान बाबा के दरबार में दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत तमाम राज्यों से बसें समेत तमाम वाहनों से श्रद्धालु बाबा के दरबार में पहुंचे, जिनका बड़ी संख्या में पहुंचने का सिलसिला देर रात तक जारी रहा, जिसके चलते बाबा श्याम के दर्शन पाने के लिए कई किलोमीटर की लंबी लंबी कतारों में भक्त कई कई घंटे इंतजार करते नजर आए। वहीं यूपी समेत तमाम अन्य राज्यों से पहुंचने वाले बाबा के भक्तों ने जगह जगह भंडारों का भी आयोजन किया, जहां प्रसाद ग्रहण करने के लिए भक्तों ने घंटों इंतजार किया। इस दौरान मनोना धाम के महंत उमेंद्र सिंह की तरफ से मंदिर परिसर में बाबा श्याम के जन्मदिन पर आयोजित समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पहुंचे तमाम स्कूलों के छात्र छात्राओं ने बाबा श्याम और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रमों की परफॉर्मेंस दी, जिन्होंने वहां मौजूद हजारों की संख्या में दर्शकों का मन मोह लिया। वहीं मनोना धाम के महंत उमेंद्र सिंह की तरफ से सभी प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बाबा श्याम के जन्मदिन के अवसर पर उनके दरबार में गुरुवार को बड़ी संख्या में भक्तजन पहुंचे। यही वजह है कि धाम परिसर में दुकानें लगाने वाले व्यापारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही थी। इसको लेकर खिलौना की दुकान चलाने वाले चंचल कुमार ने बताया कि बाबा श्याम की कृपा से व्यापार अच्छा चल रहा है। वहीं बिजनौर से पहुंची श्रद्धालु रूपाली बताती हैं कि जब से उनके परिवार ने बाबा के धाम पर आना शुरू किया है, तब से हर कार्य में सफलता मिल रही है। मैं हर महीने में 6-7 चक्कर लगते हैं, बस लेके आता हूँ। अच्छा। गाड़ी चलाता हूँ, तो आज तो कम से कम मेरे अंदाजे से 1.5 लाख आदमी होगा। बहुत ही भीड़ है, बिकट। अच्छा। बाबा यहाँ लाइने कितनी कितनी बड़ी है? सुबह से जन्मोत्सव के चक्कर में सुबह से लाइन खत्म ही नहीं हो रही, 1.5-2 किलोमीटर की लाइन लगी, खत्म ही कहाँ हो रही है। अच्छा। सुबह से प्रसाद लेके खड़े हुए, आप आए यहाँ तक, वो भी 2 किलोमीटर और अंदर जाना अभी। क्या आज महाराज जी से मुलाकात हो पाई थी आपको? महाराज जी के दर्शन हो गए। अच्छा। महाराज जी को तो समझ नहीं, बहुत पब्लिक आई हुई है आज, बहुत भीड़ हो रही है, महाराज जी के दर्शन नहीं हो पाए। सर आज हम बाबा के जन्मदिन के अवसर पर मतलब हमें मौका मिला है यहाँ आने का, तो यहाँ आने की बहुत बड़ी इच्छा थी हमारी, और मैं दूसरी बार यहाँ पर आई हूँ, तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि मनोरम धाम बहुत सच्चा है, बाबा हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं, मैंने खुद अजमाया है। मैंने खाटू श्याम के जन्म से भाग लिया और यहाँ मैंने किरदार राधा जी का निभाया। कैसा लग रहा है आप लोगों को? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और पहले से भी काफी एक्साइटमेंट थी कि हम लोगों को वहाँ जाने का मौका मिलेगा। इस समय खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन है आज, और मेन बात एकादशी है, इसलिए दुगनी है और दिनों। क्या कहना चाहेंगे? अच्छा आया। ये बात तो सभी भक्तों को जय श्री श्याम। मनोना धाम की तरफ से, मनोना धाम में आज बाबा का जन्मदिन मनाया जा रहा है, काफ़ी भीड़ भाड़ है, दिखाओ उधर कैमरा, काफ़ी भीड़ भाड़ है बाबा के जन्मदिन में, और काफ़ी जोरों शोरों से तैयारियां भी चल रही हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम भी होना बाकी है, और अभी प्रोग्राम चल भी रहा है, बाबा का भंडार भी चल रहा है, काफ़ी हर्षोल्लास के साथ बाबा का जन्मदिन मनाया जा रहा है। कहाँ से आए आप? टिकड़ी बॉर्डर दिल्ली। यहाँ क्या किस चीज़ का आयोजन कर रहे हैं आप? ये भंडारा आयोजन कर रहे हैं। अच्छा जी, किस चीज़ से आए आप? हम लोग बस से आए हैं। कितने लोग आए हुए? हम लोग 70 करीब है, 2 गाड़ी है। कितने लोगों को भंडारे का आयोजन किया आपने? सारे मिलके करा रहे हैं, मेरा मंडली है, हर महीने हम आते हैं, बाबा के उपकार है, हम हर महीने आते हैं। अच्छा। बाबा के चमत्कार है, जो एक बार दरबार में आएगा बार बार आएगा। आज कैसी संख्या देखी जा रही है धाम पर? क्षमता बाबा में इतने शक्ति है जिसका कोई अंत ही नहीं है, गांधी जी में इतना शक्ति है जिसका कोई अंत नहीं है। हम तो मंडली लगे हैं, हमारा मार्केट है, हम लोग पूरे आते हैं, हर महीना सेवा में आते हैं बाबा।